हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गुरु जी। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 100 क्वेश्चन को कवर किया गया है। यदि आप लोग चाहें तो इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। जैसा कि सभी छात्रों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षाएं हैं ये जनवरी में होना संभावित है, तो सभी छात्र ये जरूर बताएं कि उनकी तैयारी है कैसी चल रही है और किन किन बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में ये भी बताएं कि आप सभी लोगों को किन किन टॉपिक के वीडियो चाहिए, हिंदी में या जीके में, जिसे मैं आप लोगों की तैयारी अच्छे से करा सकूं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। तो देखिए, हिंदी की मूल उत्पत्ति ये हुई है शौर सैनी अप्रवस से। अगला क्वेश्चन कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। तो देखिए, भारत की प्रथम देश भाषा है पाली। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अप्रभस है। कौन सी है संस्कृत भाषा की अप्रभस? पाली, जो कि पाली भाषा जो कि संस्कृत भाषा की अप्रभस है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो देखिए, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। तो देखिए, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर कहलाते हैं स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। तो कौन सी हैं? व्यंजन ध्वनिया हैं जो कि ध्वनिया ऐसी होती जो कि व्यंजनों की सहायता से बोली जा सकती हैं। अगला है कि का खा गा और फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है। आपको बताना कि का और खा गा और फा में कौन उर्दू से लिया गया है। तो कौन सा लिया गया है? खा, जो कि उर्दू से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों में अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, जिन शब्दों में आ आता है उन्हें कहते हैं हम अकारांत। क्या कहते हैं? अकारांत। आपको ध्यान में रखना कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें बोलते हैं अकारांत। देखिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी प्रैक्टिस सेट आपके पास अगर हो या तो एक प्रैक्टिस सेट की आप बुक ले लें, उससे हिंदी की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करें। संधि समास जितने भी हैं मैं आपके कंप्लीट करा दूंगा धीरे धीरे। अगला कि निम्नलिखित प्रश्नों में चार वैकल्पिक बर्तनी दी गई हैं, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए, नमे का आंसर क्या होगा, कौन सा शुद्ध वाक्य इसमें? तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा सी, अनुच्छेद। दसवें का, तो देखिए दसवें का होगा बी, पूंजीवाद। ग्यारहवें का क्या होगा? तो देखिए ग्यारहवें का होगा अंतर निहित। 12वें का बताइए, तो देखिए 12वें का डी हो जाएगा परीक्षा, ये शुद्ध है। 13वें का, देखिए 13वें का षड्यंत्र, षड्यंत्र ये शुद्ध हो जाएगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो देखिए, कवीश्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, व्यंजन संधि या स्वर संधि है कवीश्वर में? तो देखिए, कवीश्वर में हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। अगला, संसार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संसार में संधि होगी वो होगी व्यंजन संधि। अगला कि तन्मय में कौन सी संधि है? देखिए, तन्मय में संधि होगी वो हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। कौन सी होगी? व्यंजन संधि। अगला है कि इत्यादि में कौन सी संधि है? आपको बताना है कि इत्यादि में कौन सी संधि है। तो देखिए, इत्यादि में संधि होगी यण संधि। और इत्यादि की संधि, इसको तोड़ा कैसे जाएगा? आपको ध्यान में रखना है कि इति
धन आदि। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि इत्यादि संधि विच्छेद होगी इत धन आदि। निम्नलिखित में प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है, आंसर का चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, ना देना चाहे तो कोई बात नहीं फिलहाल। तो देखिए पुनर्जन्म का संधि विच्छेद हो जाएगा बी। पितृ ऋण, इसका कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो देखिए इसका हो जाएगा पितृ धन ऋण। अगला इत्यादि, इत्यादि में कौन सी संधि है? तो देखिए इत्यादि होगी इति धन आदि। ठीक है, अगला है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में कौन सी संधि है? पता है कौन सी होगी संधि युधिष्ठिर की? आपके सामने चार ऑप्शन है, युधिष्ठिर में संधि कौन सी होगी? तो देखिए युधिष्ठिर का जो जाएगा वो जाएगा युधि धन स्थिर। अगला है जगदीश, इसमें कौन सी संधि है? चार ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। तो देखिए जगत धन ईश कनकटा, क्या आंसर होगा? कनकटा का आंसर क्या होगा बताइए? तो देखिए कान धन कटा। अगला है रामायण, तो देखिए रामायण की जो संधि विच्छेद होगी वो होगी राम धन आयन। आंसर आपका हो जाएगा सी, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा राम धन आयन। आपको ध्यान में रखना है कि रामायण की जो संधि विच्छेद होगी वो होगी राम धन आयन। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। दशानन में कौन सा समास होगा? द्विगु, भोपरी, कर्मधार या द्वंद समास, कौन सा समास होगा? तो देखिए दशानन में समास होगा बहुप्रीय समास, यानी कि दश आनन है जिनके, रावण हो जाएगा। अगला है रोग पीड़ित, यानी कि रोग से पीड़ित, इसमें कौन सा समास होगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, रोग से पीड़ित। अगला है प्रतिमान, तो प्रतिमान में कौन सा समास होगा? देखिए प्रतिमान में होगा अव्ययीभाव समास, यथा, अनु, प्रति, आ, भर, उद, हर, ये अव्ययीभाव को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर। वीर पुरुष, तो वीर पुरुष में कौन सी संधि होगी? तो देखिए वीर पुरुष में जो संधि होगी वो होगी तत्पुरुष। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए 29वां का आंसर क्या होगा? देख लिए इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा बताइए? तो देखिए इसमें तत्सम शब्द आपका हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, अगला है छेद डंडा विभा सिंह, इसमें कौन सा तत्सम शब्द होगा? तो देखिए इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा विभा। नेक्स्ट आपका हीरा की 31वां का हंसी कपूर ओज आम, इसमें कौन सा तत्सम शब्द होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका ओज, जो कि तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है कि खेत नहर निर्मम कुछ, इसमें कौन सा तत्सम शब्द होगा? इसमें हो जाएगा निर्मम, इसमें तत्सम शब्द होगा। ठीक है, सुमन नाखून कौवा बहाव, इसमें कौन सा तत्सम शब्द होगा? इसमें होगा आपका सुमन, इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 34 है कान नासिका परीक्षण कटक, तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो देखिए इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा कान। अगला है 35 पीड़ा केरा पर्याप्त और शिल्प, तो इसमें जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पीड़ा। 36 पक्षी नत्य अंधेरा पश्य, तो इसमें जो तद्भव शब्द हो जाएगा अंधेरा। 37 है वालिका बेंत आज्ञा और सिद्धि, तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा? इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा बेंत। अगला है रक्षा तमंचा विरोध शांति, तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो देखिए इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा तमंचा। 39 क्वेश्चन है कि परंपरा में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं, योगऋण, ऋण, यौगिक, शंकर।
तो क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं योगऋण। निम्नलिखित प्रत्येक चार विकल्पों में से बेमल असंगत शब्द चयनित कीजिए, शारीरिक, दैहिक, मानसिक आदि। तो इसमें बेमल शब्द कौन सा होगा? आदि। 31 है घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। तो इसमें बेमल शब्द कौन सा होगा? घर। अगला है सिर, शीश, मस्तक, शीर्ष। तो इसमें से बेमल शब्द कौन सा होगा? मस्तक। 33 है निगाह, दृष्टि, नेत्र, नजर। तो इसमें बेमल शब्द कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा बेमल शब्द नेत्र। समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद। तो इसमें बेमल शब्द कौन सा होगा? तो इसमें बेमल शब्द हो जाएगा खेद। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द छांटिए। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नरक, ब्रह्मांड, यमलोक या गौ? क्या होगा बताइए? गौ। अगला है कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? किन्नरेश, कोवित, धनाधिप, राज, राज। धनाधिप। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? छपा, तमीचर, अमा, बिवाभरी। तो राइट आंसर हो जाएगा बिवाभरी। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरिता, गंगा, यमुना, निझरड़ी। तो क्या होगा? तो भागीरथी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गंगा। अगला है विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गर्जन, दामनी, चमक, पयोध। क्या होगा? दामनी। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। सामंजस्य का विलोम शब्द क्या होगा? विवाद, कलह, संताप, तोष। तो क्या होगा बताइए? तो सामंजस्य का विलोम शब्द होगा विवाद। अगला है कि ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? निराभिमानी, निडर, यशस्वी, निस्तेज। क्या होगा? निस्तेज। 52 पराक्रम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए पराक्रम का जो पर्यायवाची शब्द होगा होगा वीरता। हर्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए हर्ष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विषाद। क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए क्रोध का पर्यायवाची शब्द होगा कृपा। उत्तेजित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो उत्तेजित का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शांत। रंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए रंग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा धनवान। निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं दत्तक। आपको ध्यान में रखना है उसको कहते हैं दत्तक। अगला है जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसको क्या कहते हैं? तो जिसको प्रसन्न करना हो उसको हम कहते हैं दुराधात। अगला है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना उसको क्या कहते हैं? तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना उसको कहते हैं प्रताड़ना। जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहते हैं? तो देखिए जिसका इलाज ना हो सके उसको कहते हैं असाध्य। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो उसको क्या कहते हैं? तो जो धन को व्यर्थ या व्यय करता हो उसको कहते हैं अपव्ययी। जो काम ना करना चाहे उसको क्या कहते हैं? तो जो काम करना ना चाहे उसको कहते हैं अर्कमा। अगला है जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अगोचर। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। जैसे कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अगला है जिधर धुआं दिखाई दिया
सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य। मैंने कहा कुछ और, उसने सुना कुछ और, इसमें कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। अगला कि व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी, इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला है सत्संग करो सदाचारी बनो, इसमें कौन सा वाचक है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा विधिवाचक। प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती, इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें हो जाएगा संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए चार चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 17वां क्वेश्चन है, आपके सामने चार ऑप्शन है, ठीक है? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा बी, वह दंड के योग्य है। 71वां है, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो बताइए 71वां में कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? तो इसमें हो जाएगा बी, बी एकदम राइट हो जाएगा। 72, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य होगा बताइए? इसमें हो जाएगा सी, ये कुछ शुद्ध वाक्य है, बच्चों को फल काटकर खिला। 73वें का क्या होगा शुद्ध वाक्य बताइए? तो देखिए 73वें में हो जाएगा आपका शुद्ध वाक्य, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। 74 में कौन सा शुद्ध वाक्य होगा बताइए? तो देखिए 74 में शुद्ध वाक्य होगा, इसमें हो जाएगा पाठ पढ़कर कल आए। 75 से 85 निम्नलिखित मुहावरे लोक तिथियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो मुहावरा पहला आपके लिए ये रहा अंगूठा दिखाना। तो दोस्तों अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा देने से इनकार करना। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ होगा भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। अगला मुहावरा की आंख लगना, तो आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों आंख लगना मुहावरे का अर्थ होगा नींद आना। अगला की औंधी खोपड़ी, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ होगा मूर्ख होना। नेक्स्ट है कि कान का कच्चा होना, तो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ होगा शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। अगला मुहावरा कि घाट घाट कर पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होगा अनुभवी होना। 81 है कि आ बैल मुझे मार, आपके सामने चार ऑप्शन है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो देखिए आ बैल मुझे मार, इस मुहावरे का अर्थ होगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। अगला है ढाक के वही तीन पात होना, तो ढाक के वही तीन पात होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका मुहावरे का अर्थ होगा सदा एक सा, आपको ध्यान में रखना है। अगला है 99 के फेर में पड़ना, तो 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा धन कमाने में लगा रहना। अगला कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का अर्थ होगा काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। अगला कि हींग लगे ना फिट करी रंग भी चोखा होए, कि मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बिना मेहनत फल पाना। अगला कि निम्नलिखित में किसे रसराज कहा जाता है, तो रसराज किसे कहा जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश को समझकर सभी छंद का चयन कीजिए। जो जग हित पर प्राण निछावर है, कर पाता जिसका तन है, किसी लोक हित में लग जाता, इसमें से कौन सा छंद है? तो इसमें हो जाएगा छंद
रोला। अगला, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल यश, जो दायक फल चार। इसमें कौन सा छंद है बताइए? तो इसमें छंद हो जाएगा दोहा छंद। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए वाक्यों में से प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करके उसके दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्वेश्चन ये कि बीती बिवाभरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तरा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला है, फूले का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है, या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धनौगी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका यमक अलंकार। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचयिता के नाम का चयन दिए गए चार विकल्पों में से कीजिए। तो देखिए दोस्तों, गबन कौन से, गबन के रचनाकार कौन है, यानी कि इसके रचयिता कौन है गबन के? तो देखिए, गबन के जो रचयिता है वो है मुंशी प्रेमचंद। कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दें। कुरुक्षेत्र के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। चित्रलेखा के रचयिता कौन है? तो देखिए, चित्रलेखा के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। यामा किसकी रचना है? तो देखिए, यामा ये रचना है महादेवी वर्मा की। गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो देखिए, गीतांजलि के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? तो किसे दी गई थी? मैथिली शरण गुप्त को दी गई थी। अगला है, बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने पौण भावों की वाणी किस कृति में दी है? तो किस कृति में दी है? तो ये दी है प्रणय पत्रिका में। नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम का चयन कीजिए। जाकी रही बावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है तुलसीदास। अगला कि कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? तो ये कौन सी भाषा में रचित है? ये रचित है मैथिली भाषा में रचित है।